आज बलिया में आपका आगमन है और दो चरणों का चुनाव खत्म हो गया है बलिया में। हाँ, तीन चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अमित सिंह, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं कल रात में आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया था माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी द्वारा। उसके बाद मैं फिर झांसी, ललितपुर और जालौन, इन जिलों में प्रभारी नियुक्त किया गया था और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अनुमति से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप तिवारी जी ने 362 विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया। और जो तीन चरणों में मतदान हुआ है उसमें 172 सीट पर मतदान हुआ है, जिसमें हम 150 से ऊपर। 362 विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ कटान से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, चाहे सपा की सरकार हुई, बसपा की सरकार हुई, किसी ने उन किसानों को ध्यान नहीं दिया और शिक्षा का तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ के बच्चियाँ दूर दूर तक पढ़ने जाती है और पढ़ाई नहीं कर पाती है, क्या कहना चाहिए? माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लिखित तौर पर सदन में ये मुद्दा उठाया था और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि किसानों को जो कटान से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी को वादा करती है और उन्होंने एक भी किसान की मदद नहीं की, क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, हम विपक्ष में हैं तो हम केवल मुद्दा उठा सकते हैं। हमारी जब सत्ता आएगी, आपको पता है कि किसानों के लिए माननीय जी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है, उस सारे घोषणा पत्र को जमीन पर उतारने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी की बात किया जाए तो उनके विरोध में एक नेत्री खड़ी है, वो केतकी सिंह। देखिए नाम केतकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नेता हैं रामगोविंद चौधरी, वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, रोते नहीं, और वो विधानसभा विधान परिषद में बैठ के या तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठने का काम करेंगे या मुख्यमंत्री के सामने बैठने का काम करेंगे। यहाँ जो हमारी आपने जिन प्रत्याशी नेत्री का नाम लिया है वो रोने वाली है, वो अगर उनके तुलना में हमारे मंत्री जी की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे मंत्री या तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठने का काम करेंगे या मुख्यमंत्री के सामने बैठ के मुख्यमंत्री को जो सत्ता में इस समय इनके सामने बोल नहीं पाते चुप कराने का काम करते हैं। ये तो रोने वाले हैं लोग, आंसू घड़ियाड़ी आंसू बहाने वाले, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये इनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और यहाँ से बलिया से 362 से मैं प्रभारी भी हूँ, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जहाँ तक रोने वाली बात कर रहे हैं तो उन नेत्री का अब तो चंदा भी मिलने लगा है, लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह मजदूर चंदा दे रहे हैं, किसान चंदा दे रहे हैं कि बेटी तुम आगे बढ़ो, क्योंकि बांड विधानसभा का अभी तक विकास नहीं हो पाया। बीजेपी महिलाओं और बेटियों की तो बात ही ना करें, क्योंकि आपने देखा किस तरह से बेटियों को इन्होंने जिंदा जलाया, ठीक है। और वो जो चंदा आप लेने की बात कर रहे हैं, इनके पास आप राम मंदिर के नाम पे भी इन्होंने चंदा जुटाया, चंदा खा गए, और यही हाल बीजेपी का है कि चंदा जुटाती है और चंदा खा जाती है। हम लोग जनता से सिर्फ प्यार और आशीर्वाद लेने का काम करते हैं, चंदा और पैसे लेने का काम करते हैं।